परवर्ती खबर को आसवा आक्शन मोड्रे ईडी आक्टिव मोड्रे प्रवर्तन निर्देशालय शिवसेना सांसद संजय राउत को अटक रखी ईडी केवल शिवसेना सांसद नुहंती ईडी राडार रे बहु नेता एवं मंत्री स्कानर रे जनक परे जणे मनी लॉन्ड्रिंग मामलें संजय राउत घरे आज पुणी पशिछि ईडी हजारे 34 कोटी टंका पात्रा चाल जमी दुर्नीति मामलें संजय को पचरा उचरा करा जाउछि। सेभली निकटने पश्चिमबंगर शिल्प और वाणिज्य मंत्री थिबा पार्थ चटर्जी को ईडी गिरफ्त करछि। 2014 रु 2016 मध्यरे शिक्षामंत्री थिबा बेले होइथिबा शिक्षक नियुक्ति दुर्नीति मामलें पार्थ एवं तांको सहयोगीक घरे ईडी चढ़ाऊ करिथिला। आउ सबुठू बड़ कथा हेउछि एही चढ़ाऊ बेले पार्थंक घनिष्ठ सहयोगी अर्पिता मुखार्जीक घरु मिलिथिला गदा गदा टंका। अर्पिताक दुईटी घरु रेड बेले मिलिथिला नगद 51 कोटी टंका एवं पाखापाखी 8 किलोग्राम ओजनर सुना गहना। मामलें पार्थ एवं अर्पिताक गिरफ्त करा एबे उभय विचार विभाग हाजत में रहिथिबा बेले अधिक तदंत चलाइछि ईडी। या सहित पार्थंक व्यक्तिगत सचिव एवं अन्य किसी विधायक ईडी स्कानर में रही। पूर्व नेशनल हेराल्ड मामलें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एवं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को नोटिस करने सहित माराथन जेरा कर प्रवर्तन निर्देशालय। ईडी ऑफिस को डाकी घंटा घंटा धरी गुड़ाई तुड़ाई प्रश्न करती ईडी अधिकारी। से भली मनी लॉन्ड्रिंग मामलें पूर्वतन विधायक प्रभात विश्वाल 3,92,00,000 टंकार संपत्ति अटाच कर प्रवर्तन निर्देशालय। ए सबु को देखिले एबे ईडी पूरा आक्शन मोड रे थिबा प्रतीत होउछि। तबे सेपटे आमे देखुचे शिवसेनार वरिष्ठ नेता संजय राउत घरे ईडी रेड मारिछि एवं बर्तमान मध्य खोलतार चालिछि। ए संपर्कित अपडेट एवं सविशेष तथ्य नबा महाराष्ट्र रु सीधा सडक आम सहित जोडुछन्ती एवं प्रतिनिधि सर्वेश तिवारी। सर्वेश, अभी का अपडेट क्या है, आज का रेड कैसा रहा और कुछ लगा है अभी तक ईडी के हाथ? 10 घंटे की ये कार्रवाई रही। कुल मिलाजुला कर भांडुप में जो संजय राउत शिवसेना के सांसद हैं, ईडी के तकरीबन 7 से 8 अधिकारी सुबह ही पहुँचे थे और जिस तरह से पूरे मामले की छानबीन थी तकरीबन 6 से 7 घंटे तो संजय राउत से उन्होंने किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं किया सुबह से लेके तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक। उसके बाद कुछ खबरें आ रही थी कि शायद उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी अरेस्ट की पुख्ता तौर पर कोई भी देखो ऑथेंटिक जो बयान होता है ईडी की तरफ से या किसी भी एजेंसी की तरफ से या वो अभी तक नहीं जाहिर किया गया है। लेकिन ये बात सच है कि 5 मिनट जब कम थे उस दौरान संजय राउत ईडी के अधिकारियों के साथ ईडी का जो मुख्यालय है मुंबई के पेडर रोड पर वहाँ पर उन्हें लेके गए हैं। जो पूरा मामला है पत्रचाल का जो 55 लाख का ट्रांजेक्शन है जिसको संजय राउत ने जब पहली नोटिस आई थी उस दौरान जब उन पर आरोप लगे थे उसके बाद उन्होंने पूरा जो अमाउंट था वो रिटर्न भी कर दिया था। उसके बाद जिस तरह से एक राजनीतिक समीकरण बना नोटिस पर नोटिस आती गई वो सभी जानते हैं, उसको लेकर कुछ अभी कहना जाहिर रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि संजय राउत अब ईडी के दफ्तर पेडर जो बेलाड पियर पर है मुख्यालय पर वहाँ गए हैं और जिस जो प्रोसेस है ईडी की जब उनसे पूछताछ की जाएगी और ईडी उनसे संतुष्ट होती है कि नहीं उनके जवाबों से, क्या कुछ मामला और कुछ है क्या, क्योंकि मामले की जो भी सुगबुगाहट है वो सिर्फ पत्राचाल को लेकर ही है लेकिन जो ट्रांजेक्शन वाली बात है वो कई तकरीबन 47 एकड़ की ज़मीन से कुछ बिल्डरों से जुड़ी हुई है, फिर 8 बिल्डरों को बेची हुई ज़मीन है, फिर उस पर माड़ा का मकान नहीं बना, 670 लोगों को मकान नहीं मिला जो स्थानीय वहाँ के लोग थे, उनसे दूर दूर तक संजय राउत का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो कुछ ट्रांजेक्शन था माधुरी राउत के बैंक अकाउंट से संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में जो पैसे आए थे वही पैसे संजय राउत ने कहा था कि कर्जे लिए थे वो लौटा दिए गए थे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शिवसैनिक हैं जो तकरीबन 9 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर संजय राउत के घर पर समर्थन देने आए थे। संजय राउत के बंगले का जो मैत्री बंगला है 3 गेट थे उन्हें बैक गेट से एक लेके जाया गया। संजय राउत ने सबसे अपने समर्थकों को हाथ दिखाया जो उनका भगवा केसरी रंग का जो चिन्ह गमछा है वो लहरा कर दिखाया। क्या कहना है कि आप लोग 9 घंटे से खड़े थे, क्या कुछ संजय राउत ने जाते समय आप लोगों से कहा, क्या इशारा किया है? संजय राउत साहब ने हमको बोला है आप कोई डरो मत, मैंने कुछ किया नहीं है। अभी कैसा है, शिवसेना में एक ही नेता है जो शिवसेना के ऊपर जो जो आते हैं उनको अच्छी तरह से जवाब देते हैं, एक ही नेता रहे ना। अभी शिवसेना खल्लास करने का प्लानिंग बहुत लोग ने किया है, कर रहे पर होएगी नहीं, क्योंकि हमारे पास एक नेता है और उद्धव साहब के साथ हम सब शिवसैनिक उनके साथ है, कुछ भी नहीं होएगा और कुछ किया नहीं। जो आदमी कर रहता है वो डरता है, अभी कोई कोई बता रहे हैं कर नहीं तो डर क्यों, अरे कर रहते तो हम लोग भाग जाते थे, वकील करते थे, कुछ ना कुछ चालू रहता था, हम लोग ने डरे नहीं ना। हमारा नेता सीधा निकल गया, सीधा आके सबको हाथ निकल के गया, हाथ दिखा के गया, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है अगर अरेस्ट करते हैं ईडी के उन्हें
इस मामले में तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? तो उनका काम करेंगे ना, तो ईडी वाले जो काम करने का करने दो, सत्य तो आएगा ना बाहर। एक जो इल्ज़ाम लगा रहा है जुटा संजय राउत को घर में बैठने के लिए, अरेस्ट करने के लिए जो इल्ज़ाम लगा रहा है ना, लगा दो ना। शिवसेना खत्म कर रहे ये लोग, खाली विरुद्ध पार्टी, खाली शिवसेना ही ना। क्या शिवसेना खत्म कर सकते हैं ये लोग? काय के लिए खत्म है? हम सब पूरा शिवसैनिक उद्धव साहब के साथ है, संजय राउत के साथ है। जब तक शिवसैनिक जिंदा है, जब तक शिवसैनिक का जोश है, तब तक शिवसेना को कोई किसी का बाल भी नहीं ये कर सकता है। फ्रंट गेट से ईडी के अधिकारी उन्हें नहीं ले गए, एकदम बैक गेट से लेके गए। लेके गए, उनको मालूम है, उनके जो उनको चाहने वाले शिवसैनिक सब उधर खड़े हैं। हमारा लेडीज लोग सुबह से 7 बजे से इधर सब है, बिना खाना पीना खाके इधर बैठे है। अरे उनको मालूम है शिवसेना की ताकत क्या है, शिवसेना की ताकत क्या है। बाला साहब ने हम लोगों को बाल कड़ू दिया है, बाल कड़ू पिए हुए हम लोग है, तो जरूरत नहीं है। हम लोग किसी को डरते नहीं है, वो तो कुल मिला जुला कर 8 से 9 से 10 घंटे तमाम शिवसैनिक थे। तकरीबन कह सकते 2 से 2.5 हज़ार शिवसैनिक बंगले के फ्रंट गेट से लेके बैक डोर पे खड़े थे। हालांकि 5 मिनट के अंदर ईडी के अधिकारियों के साथ वो बाहर आए, तमाम समर्थकों को उन्होंने हाथ दिखाया। देख सकते पुलिस के तमाम जवान तैनात, लोकल जो टीम है, संजय राउत का जो मैत्री बंगला है उस बंगले से पूरे नाके तक, बात करें नाके जहां मेन एंट्री होती है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी तक मुंबई पुलिस के लोकल टीम ही नहीं, सीआरपीएफ की टीम बंगले में तैनात की गई थी, ताकि अगर जो खबर आ रही थी कि शिवसेना के तमाम शिवसैनिकों को यह आदेश था कि अगर संजय राउत को ईडी के अधिकारी लेकर जाते हैं तो किसी भी हाल में इस मकसद को कामयाब न होने दिया, लेकिन उनका जो पूरा प्रदर्शन रहेगा वो शांतिपूर्वक रहेगा, कानून के दायरे में रहेगा और तमाम शिवसैनिक कानून का जो पालन करते हुए नजर आए। संजय राउत बाहर आए, तमाम समर्थकों को अपने उन्होंने हाथ दिखाया, भगवा रंग का जो एक उनका एक साफा है वो लहराते हुए उन्होंने दिखाया। अब कुल मिलाकर संजय राउत से संबंधित मामले में अगले कार्यानुष्ठान क्या लेता है उसके ऊपर भी नजर रहेगा। शुक्रिया सर्वेश जी आपकी हर जानकारी के लिए। थैंक यू।